हेलो व्यूअर्स, स्वागत करता हूं मैं विकास आपके चैनल स्टडी टाइम फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर FX91MS के बारे में जानेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसमें मैट्रिक्स का। तो मैं थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेटर के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये कैलकुलेटर जो कि है साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से मार्केट में मिलता है आपको, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं 401 फंक्शंस के लायक है ये कैलकुलेटर, ठीक है। और मोस्टली हम जो इसको यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलेशन के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे बैटरी और सनलाइट का मोनो दिया हुआ है कि मतलब आप बैटरी सेल्स के भी थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, मतलब सेल चेंज करके, या तो आप सनलाइट की मदद से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 ईयर वारंटी मिलता है आपको, तो ये एब्सोल्युटली सही चीज है। बताइए जो कैसियो के हर एक प्रोडक्ट पे, कैलकुलेटर जो भी बनाता है कैसियो, वो हर एक कैलकुलेटर पे आपको 3 साल का वारंटी देता है। आप कोशिश कीजिए, ये आप ऑनलाइन ही रजिस्टर करिए। जैसे आप बाय करते हैं आप ऑनलाइन जाइए और आप कैसियो की वेबसाइट पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आपका ओरिजिनल बिल का फोटो, आपका एड्रेस, नेम और कुछ डिटेल्स आपकी लगती है, और विद इन 24 आवर्स आपको वेरीफाई करके बता दिया जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो चुका है, आपको अब बिल की जरूरत नहीं है। और आप मेल आ जाता है आपके पास कि किस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ है। तो आगे देखते हैं कि कैसियो का जो कैलकुलेटर है ये कितने का पड़ता है आपको। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको मार्केट है, मार्केट प्राइस दी हुई है, ध्यान से देखते हैं हम कितने दिया है, 825, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट में आपको 750 तक भी मिल जाएगा, ठीक है, 700 भी मिल सकता है बहुत कम शॉप्स पे, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये मैंने अभी कुछ महीने हुए हैं इसको यूज किए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली पूरी तरह से आता कैसे। तो इस तरीके से आता है ये, ठीक है, एक यूजर गाइड मिलता है आपको, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग कैलकुलेटर के लिए, जो अलग अलग इसके नेम्स से पाए जाते हैं मार्केट में, उस अलग अलग के लिए ये सेम यूजर गाइड मैनुअल है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी लोग इसको खरीद चुके हैं वो प्लीज इसको एक बार देख ले, एटलीस्ट पढ़े ना, ठीक है, जो उनकी मर्जी। तो ये आपका कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूं, यस इट इज। तो ये है आपका कैलकुलेटर, ठीक है, कैसे लिखा हुआ है। फिर हम इसको देखते हैं ये कैसे खोलते हैं। तो इस तरह से हल्का सा स्लाइड करेंगे तो आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें जो कि इस वीडियो का मेन मकसद है, आपको बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो इसमें कौन से किस डायमेंशन का, मतलब 2x2 हम कर सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम का कर सकते हैं, मतलब कितना कहां तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि हम इस कैसियो के कैलकुलेटर जो FX91MS है, ये एक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। तो इसमें हम जो है मैट्रिक्स सॉल्व 3x3 से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब 3 रो और 3 कॉलम अगर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली आप इस कैलकुलेटर की मदद से उसका मल्टीप्लीकेशन आप मैट्रिक्स पे निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से पूरी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 टाइम तो पूरा का पूरा वॉच करिए, जिससे आपको A to Z समझ में आए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन करते हैं, यहां पे मैंने ऑन कर दिया। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपका जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें आपको 3 बार, आपको 3 टाइम्स मोड प्रेस करना है, 1 2 3। जैसे आप 3 टाइम्स मोड प्रेस करेंगे तो आपको ये MAT, इसका मतलब है मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स सेलेक्ट करने के लिए 2 दबाना है, नीचे 2 दिया हुआ है, आपने 2 क्लिक किया तो ये मैट मोड आ गया। अब मैट मोड में आपको कोशिश करनी है क्या, आपको चीजें इंसर्ट करनी है। पहले तो देखिए, मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैट्रिक्स की वैल्यू पहले इनपुट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर को। तो पहले आप शिफ्ट दबाइए और ये जो 4 है इसके ऊपर लिखा हुआ है मैट, मतलब शिफ्ट दबा के आपने अगर 4 को दबाया तो मैट्रिक्स के लिए आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जैसे डायमेंशंस, कितने डायमेंशन का मैट्रिक्स बनाना है, तो कोई भी मैट्रिक्स से अगर उसको इनपुट देना है तो पहले उसका डायमेंशन सेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम DIM मतलब कि 1 प्रेस करेंगे, मैंने यहां पे 1 प्रेस किया तो इसने बोल दिया कि हम 3 मैट्रिक्स तक बना सकते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। तो मैं सबसे पहला मैट्रिक्स जो कि मैं A नाम से दूंगा वो बनाता हूं, मैंने यहां पे 1 प्रेस कर दिया। तो उसने बोल दिया है कि अगर मैट्रिक्स ए बना रहे हो तो बताओ मुझे कितने रो और कितने कॉलम का, एम का मतलब आपका रो और एन का मतलब कॉलम। तो ये एम पूछ रहा है कि कितने रो का बना रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अभी 2 के लिए सॉल्व करूं, ठीक है। तो मैंने 2 रो दे दिए, इक्वल टू साइन प्रेस किया, बोल रहा है एन बताओ कितना कॉलम देना है, तो ये भी मैंने 2 दे दे रहा हूं। तो इसने बता दिया है कि देखो आपका बन चुका है, अब आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपने पूरी तरह से मैट्रिक्स के डायमेंशन को सेट कर दिया है,
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पेपर पे बताता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने पेपर पे लिख रखा है कि हमारा मेन मकसद क्या है। तो देखो, मैंने एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो 2x2 का है, दो रो और दो कॉलम, ठीक है। उसमें सारी एंट्रीज में वन वन रन दूंगा। अब देखो, हमें कैलकुलेटर क्या पूछेगा, A11 की पोजिशन पे क्या रखना है, A12, A21 और A22। तो उस तरीके से वन वन हमें पुट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। तो ये देखो, A11 पूछ रहा है कि पहले रो पहले कॉलम पे आपको एलिमेंट कौन सा पुट करना है। तो मैंने मैट्रिक्स का जो एग्जांपल दिया था, सभी रो सभी कॉलम की वैल्यूज क्या थी, वन। तो आपको कुछ नहीं करना है, वन को प्रेस कीजिए, ठीक है, वन प्रेस कीजिए और डायरेक्ट इक्वल टू के साइन पे क्लिक कीजिए। तो ये पूछेगा पहले रो और दूसरे कॉलम पे कौन सी वैल्यू रखनी है, तो वो भी मैंने वन मानी, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, वो भी वन है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, वो भी वन है। अब जैसे इसको कंप्लीट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपने नंबर्स क्या क्या दिए थे। तो देखो, आपने चार एंट्रीज देनी थी आपको, वन 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 वन, है ना। तो A11 पे वन दिया है आपने, एरो से बता दे रहा है, A12 पे भी वन दिया है, A21 पे भी वन दिया, A22 पे भी वन दिया। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स जान सकते हैं। तो अभी ये आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हमें सेकेंड एलिमेंट देना है। तो हमें सेकेंड एलिमेंट देने के लिए क्या करूंगा, फिर से शिफ्ट क्लिक करूंगा और उसके बाद जाऊंगा फोर पे, और फिर से एक और एलिमेंट क्रिएट करूंगा। उसके डायमेंशन बताने के लिए मैंने वन पे क्लिक किया। अब वो मैट्रिक्स में मान ले रहा हूं बी वो मैट्रिक्स है, तो बी मतलब मैंने ए पहले सेट कर लिया है ना, और उसके एलिमेंट्स के नंबर भी दे दिया। तो अब बी सेट कर रहा हूं, मतलब दूसरा मैट्रिक्स में सेट कर रहा हूं, तो मैं टू पे प्रेस करूंगा। तो ये मैट्रिक्स बी नाम का, उसका रो उसका कॉलम बताइए। तो पहले पूछ रहा है रो कितना, तो उसको भी दो रो दे रहा हूं मैं, ठीक है, और बोल रहा है कॉलम कितना, तो वो भी दो दे रहा हूं मैं। अब वो बोल रहा है कि इसका पहला एलिमेंट बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल बी के लिए भी मैं वन 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 ले रहा हूँ, उसमें भी पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, बी वन वन, दूसरा एलिमेंट कहलाएगा बी वन टू, तीसरा एलिमेंट कहलाएगा बी टू वन, और चौथा एलिमेंट कहलाएगा बी टू टू। तो सभी के लिए मुझे वैल्यूज क्या देनी है, वन 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 वन। तो यहाँ पे मैं वन वन वापिस से आपको बता रहा हूँ कैसे देना है। आपने वन पे प्रेस किया तो ये पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट भी वन है, दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट भी वन। इक्वल टू का साइन बार बार आपको प्रेस करना है, जिससे आपका ये पता चल जाए कि आपने एलिमेंट दे चुके हो। फिर वन, तो आपने चार एलिमेंट दे दिए, आप चेक कर सकते हो आपने क्या एलिमेंट दिए थे। तो मैंने सभी वन 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 दिए थे, ये सभी वन वन दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको करना है कि आपको इन्हीं नंबरों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर मैं चेक करता हूं मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। तो मैं यहां पर शिफ्ट दबा रहा हूं, और शिफ्ट के बाद मैं किसको यूज करना चाहता हूँ, मैट्रिक्स को, इसलिए मैं फोर नंबर को प्रेस करूंगा। मैंने फोर को प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, तो मुझे मैट्रिक्स पे काम करना है, इसलिए मैट MAT थ्री नंबर में प्रेस करूंगा। मैंने थ्री नंबर प्रेस किया। अब किसके साथ काम करना है मुझे, पहले तो ए मैट्रिक्स मैंने जो दिया था उसके साथ, इसलिए मैं वन को प्रेस करूंगा। वन को जैसे ही प्रेस किया, उसने अपने आप बता दिया कि मैट्रिक्स नाम आपने ए बना चुके हो। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूं मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्रेस करूंगा। इतना करने के बाद वापिस से आप मैट्रिक्स वाले पोजिशन पे जाओ, शिफ्ट करके फोर दबाओ। आप मैट्रिक्स तीन नंबर पे आता है, थ्री पे प्रेस करो, और इसका साथ मल्टीप्लाई क्या करना चाहता हूं, बी मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूं, इसलिए मैं टू को प्रेस करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, तो इसकी वैल्यू आपको बताने के लिए इक्वल टू का साइन करना है। यहां पर बता रहा है सिंटेक्स एरर, मतलब कुछ ना कुछ हमने गलत किया है, चेक करते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, इसमें हमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन जानने के लिए, तो शिफ्ट फोर प्रेस करेंगे, मैट्रिक्स क्या है थ्री, हमने प्रेस किया, पहले क्या लेना है, पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, शिफ्ट करके हमें फोर दबाना पड़ेगा, मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स हमें दो नंबर की लेनी है, और इसका आप वैल्यू देखना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद ये देता क्या है। तो इक्वल टू का साइन मैंने प्रेस किया, चेक करते हैं। बोल रहा है कि मैट्रिक्स के आंसर, मतलब दोनों के मल्टीप्लाई पे जो वन वन की पोजिशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू टू आएगी, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू टू आएगी, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू टू आएगी, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू भी टू आएगी। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि चारों एलिमेंट की वैल्यूज क्या आएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सबको आता ही होगा। चेक कर लेते हैं कि इसने सही बताया है कि नहीं बताया। तो हमने जो मैट्रिक्स लिया था वो क्या था, वन 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 वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये सही बता रहा है या नहीं। तो आप सभी को पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन दोनों का, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा। तो देखते हैं, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, आपका फाइनली जो आंसर आएगा ए इंटू बी, वो क्या आएगा,
आप अपनी कॉपी में आप सॉल्व करके देखेंगे तो टू 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 ही आएगा, क्योंकि वन वन से मल्टीप्लाई होगा, वन वन से और बीच में प्लस का साइन तो टू देगा। इसी तरीके से सभी के मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी ले लेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले लेंगे तो ये नीचे वाला नंबर आ जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ले लेंगे तो आखिरी वाला नंबर आ जाएगा। तो हमने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखा वो भी बिल्कुल यही आ रहा था, सारी लिमिट हमारे टू 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 आ रहे थे। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आसानी से आपके केसियो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।